हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विशाल सिंह में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 10वीं का सिलेबस कर रहे थे। मैं आपको गणित का सिलेबस करा रहा था 10वीं बोर्ड, जो हिंदी मीडियम के अनुसार है, तो उसी में आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति देखा था, तो त्रिकोणमिति में आज हम आगे पढ़ेंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना पक्का है, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा त्रिकोणमिति 10 नंबर का आने वाला है आपके पेपर में। तो जो नया सिलेबस है उनके अनुसार एक अलग से उसमें टॉपिक दे रखा है। अलग से क्या, ये तो आपके आना ही था, लेकिन अब तो जैसे हाईलाइट करके दे रखा है। तो जो टॉपिक है हमारा, वो पढ़ना है हमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है दोस्तों? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मतलब आज जो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, उस 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना पक्का तय है आपके पेपर में। तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर फॉर्मूला को देखेंगे, और फिर उसको हम मेन तो यही है ना दोस्तों, कि हम उसको क्वेश्चन में कैसे यूज कर पाते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना हम समय गंवाएं अपना पहला क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं। और पहला हम थ्योरी समझते हैं और फॉर्मूला समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना ये है कि साइन 90 माइनस ए ये होता है कॉस ए। मतलब साइन का कोई एंगल दे रखा है, उसको हम 90 में से घटाते हैं तो बन जाता है कॉस ए। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए। अब दूसरा है दोस्तों कि टेन 90 माइनस ए होता है कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए होता है टेन ए। सेक 90 माइनस ए होता है ये कॉसेक के बराबर, और कॉसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए के बराबर। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि साइन का कोई एंगल दे रखा है, उसको हम 90 में से घटाते हैं तो क्या बन जाता है? कॉस। वैसे ही कॉस का कोई एंगल है ए दे रखा है, उसको हम 90 में से घटाते हैं तो बन जाता है साइन। वैसे ही टेन का कोई एंगल ए है, तो उसको 90 में से घटाएंगे तो कॉट है, और कॉट 90 माइनस ए टेन है। सेक 90 माइनस ए बनता है कॉसेक, और वैसे ही कॉसेक का कोई एंगल ए है, उसको 90 में से घटाते हैं तो सेक हो जाता है। अब दोस्तों, आपको याद इसे कैसे करना है? आप सिर्फ इधर के तीनों याद करो, ये तीनों आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये याद करो कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। और कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। मतलब साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में। तो आपको इधर नहीं याद करना, सीधे आप याद रखोगे कॉस 90 माइनस ए होगा किस में? कॉस चेंज होता है साइन में। तो ये भी आपको याद हो गई, ये वाला भी आपको याद हो गया। अब टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। तो कॉट 90 माइनस ए होगा टेन। ऐसे ही दोस्तों सेक वाला देखो आप, सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो मतलब इधर के आप तीन याद रखो, इधर के आप तीन याद रखो, तो ये तीनों आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। मेन तो हम इस फॉर्मूला को अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, हमें ये देखना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 5 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ज़रूर आएगा, और आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के पहला क्वेश्चन दे रखा है टेन 65 बाई कॉट 25। इसका हमें मान निकालना है दोस्तों, इसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो जैसा कि आपको फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, टेन और कॉट देख के आप समझ गए होंगे कि आपका जो फार्मूला यूज होने वाला है कौन सा होने वाला है, कि टेन 90 माइनस ए ये होता है कॉट ए के बराबर। हम क्या करेंगे दोस्तों, आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, आपको जिसे मन किया चेंज कर सकते हैं। मतलब कॉट को चेंज करके टेन बना सकते हो, या टेन को चेंज करके कॉट बना सकते हो। तो हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, आप नीचे वाले को भी कर सकते हो, जिससे आप मन करे चेंज कर सकते हो, टेन को कॉट में या कॉट को टेन में। तो हम ऊपर टेन 65 को चेंज करेंगे कॉट में, उसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये फार्मूला यूज होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि टेन 90 माइनस ए होता है कॉट ए, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों? हमारे पास दे रखा है टेन 65। अब टेन 65 को आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों? टेन 65 को लिख सकते हो टेन 90 माइनस 25। अब टेन 90 माइनस 25, अब आप सोच रहे हो कि मैंने 25 क्यों लिखा है यहाँ पे। आपको अगर समझ नहीं आ रहा, तो सीधा आप समझो कि टेन 65 को हम 90 से कंपेयर करके लिखने की कोशिश करेंगे। मतलब टेन 90 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 65। इतना समझ में आएगा दोस्तों? टेन 65 को हम कैसे लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस 25। और अभी हमने पढ़ा है दोस्तों फार्मूला कि टेन 90 माइनस ए, ये कंपेयर करो आप इसको और इसको। तो यहाँ पे टेन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे ए, यहाँ पे 25। मतलब टेन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट ए। तो टेन 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कॉट 25 के बराबर। तो टेन 90 माइनस ए कितना होगा? कॉट 25। मतलब टेन 90 माइनस 25 जो आप कॉट 25 लिख रहे हैं, किसका मान है? टेन 65 का मान है ना। मतलब टेन 90 माइनस 25 मतलब क्या होगा? ये टेन 65,
और टेन पैंसठ किसके बराबर आ गया दोस्तों, कॉट 25 के बराबर आ गया। क्या आ गया, टेन पैंसठ का मान आ गया कॉट 25 के बराबर। अब हम यहाँ पे दोस्तों उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टेन पैंसठ को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 25 से लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा कॉट 25, और नीचे आपको दे रखा है दोस्तों, पहले ही से दे रखा है कॉट 25। कॉट 25 से कॉट 25 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हो गया। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, हमने क्या किया, टेन पैंसठ को हम कॉट में चेंज करेंगे। अब टेन पैंसठ हमारा क्या होता है दोस्तों, टेन पैंसठ होता है टेन साठ, नब्बे माइनस पच्चीस। अब नब्बे माइनस पच्चीस क्यों करा, क्योंकि अगर नब्बे में से पच्चीस घटा लो तो पैंसठ ही आ जाता। हमने कुछ नहीं करा, पैंसठ को सिर्फ हमने नब्बे माइनस पच्चीस लिख दिया, जो कि टेन नाइन्टी माइनस ए होता है कॉट ए, इसलिए टेन नब्बे माइनस पच्चीस हो गया कॉट पच्चीस। अब टेन नब्बे माइनस पच्चीस क्या है, टेन पैंसठ है, तो हमने नब्बे माइनस पच्चीस को ही ना हमने पैंसठ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे टेन पैंसठ हो गया कॉट 25। अब हमने टेन पैंसठ जो हमने कॉट 25 निकाला है यहाँ पे डाल दिया, नीचे भी कॉट 25, ऊपर भी कॉट 25, तो ये हमारा कट के आ गया 1। तो ऐसा करता हूँ, आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि साइन 3a का मान है कॉस a माइनस 26 के बराबर। हमें दोस्तों a का मान निकालना है। आपको साइन और कॉस देख के दोस्तों तुरंत पता लग जाना चाहिए कि हमें सबसे पहला वाला फार्मूला जो साइन 90 माइनस ए है, ये कॉस है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो ये दोस्तों हम इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा फार्मूला कौन सा यूज होगा दोस्तों, साइन दोस्तों 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये फार्मूला हमारा यूज होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आप कोई सा ही फार्मूला यूज कर सकते हो, आप साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, या फिर यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए साइन ए, जो भी फार्मूला आपको मन करे यूज करने का आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मानिए दोस्तों, पिछली बार हमने ऊपर वाला फार्मूला यूज करा था, नीचे वाले फार्मूला आपको यूज करके दिखाते हैं दोस्तों। मतलब हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, साइन ए को हम कॉस में कैसे लिख सकते हैं, साइन ए को कॉस में लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए, मतलब इस चीज़ को हमें कॉस में लिखना है। तो साइन 3a को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 3a को अब इस वाले फार्मूला को ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, अब यहाँ पे a है और यहाँ पे 3a है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 3a। मतलब साइन 3a को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस 90 माइनस 3a, मतलब इसका मान क्या आ गया, कॉस 90 माइनस 30 है। मतलब कुल मिला के दोस्तों आपके पास आ गया कॉस 90 माइनस 3a बराबर में इधर कितना है दोस्तों, कॉस ए माइनस 26, कॉस ए माइनस 26। अब हमें यहाँ से a का मान निकालना है। अब जब भी आपको कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 देखा, तो आप सीधा क्या कर दो, अंदर जो कोण दे रखा है 90 माइनस 3a और a माइनस 26, इन दोनों को कर दो आप बराबर। तो हमने कर दिया 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, ये कर दिया दोस्तों। अब यहाँ से सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस 26 इधर आएगा तो प्लस 26 बन जाएगा, तो 90 प्लस 26, इधर माइनस 3a इधर जाएगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, प्लस 3a, और ये हमारे पास a दे रखा है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसी में दोस्तों। तो 90 प्लस 26 होता है 116, और 3a प्लस a होता है 4a, तो a का मान यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 116/4, और 116/4 होता है 4 × 8 = 4 × 36, तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, 29। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन जरूर समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कहीं से भी आपका गलत नहीं हो। सबसे पहले साइन 3a का मान दे रखा है कॉस a माइनस 26, और हमें a का मान निकालना है। साइन और कॉस का टर्म देखते ही दोस्तों हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, या तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, ये वाला फार्मूला आप यूज कर लो, या फिर कॉस 90 माइनस ए साइन ए, ये यूज कर लो, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। हमने क्या किया, साइन को कॉस में बनाया, तो साइन ए क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए, इसलिए दोस्तों साइन 3a कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस, इस एंगल को घटा देंगे 90 में से, तो कॉस 3a। अब जैसे ही हमारा साइन 3a कॉस 90 माइनस 3a के बराबर हो, तो हमने लिख दिया साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a, और इधर दे रखा है कॉस a माइनस 26। अब यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कॉस 90 माइनस 3a इस तरह से दे रखा हो, तो हम दोनों कोण को बराबर कर देंगे। तो हमने 90 माइनस 3a को बराबर कर दिया a माइनस 26 को, और यहाँ से सॉल्व करके हमने a का मान निकाल लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉस 48 माइनस साइन 42 क्या होगा, ये हमें निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में 10वीं बोर्ड में दे रखा है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं।
इसमें भी आपको कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, आप यूज करोगे साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, या फिर कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। अब जो सा भी फार्मूला चाहो यूज कर सकते हो। तो दोस्तों हम कॉस 48 को चेंज करेंगे साइन में और उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप जहाँ से जैसे कि देख सकते हैं कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस ए, तो ऐसे ही कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस 48 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, और साइन 90 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 42। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कॉस 48 का मान हमारा कितना के बराबर आ गया, साइन 42 के। तो कॉस 48 के बदले हम क्या लिखेंगे, कॉस 48 के बदले लिखेंगे साइन 42। ये इधर प्लस में है, कुछ नहीं दे रखा है इधर, मतलब क्या होता है प्लस होता है दोस्तों। इधर हमारे पास दे रखा है साइन 42, अब हमारे पास क्या आ गया प्लस साइन 42 माइनस साइन 42, ये कट गया तो ये आ गया हमारे पास जीरो आंसर। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आप कॉस को या तो साइन में चेंज कर लिए, मैंने कॉस 48 को साइन 90 माइनस 48 लिखा तो साइन 42 आ गया। अब साइन 42 प्लस में दे रखा और साइन 42 माइनस में, तो कट के आ गया जीरो। आप इस साइन को भी कॉस में चेंज कर सकते थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जरूर आना है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं एक टाइप के दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में कहीं से भी इतना कराने के बाद कोई भी गलती ना हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फॉर्मूला जो हमारा यूज होना है वो होना है टेन ए का मान होता है कॉट 90 माइनस ए, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों यहाँ पर, फॉर्मूला ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होना है आपका। तो ऐसे दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है टेन टू ए दे रखा है, टेन टू ए को इस फॉर्मूला यूज करके हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन टू ए को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 ए। अब टेन टू ए का मान कितना आ गया, कॉट 90 माइनस 2 ए। अब यहाँ टेन टू ए हम नहीं लिखेंगे, अब टेन टू ए के बदले ये लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2 ए। तो टेन टू ए के बदले हो गया कॉट 90 माइनस 2 ए। इधर हमारे पास क्या दे रखा है आरएचएस में, ये दे रखा है कॉट ए माइनस 18। अब अभी हमने बताया है जब भी कॉट कॉट या फिर कॉस कॉस साइन साइन कुछ भी बराबर बराबर दे रखा है तो हम अंदर के जो कोण है उसको कर देंगे बराबर। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे 90 माइनस 2 ए इक्वल टू ए माइनस 18। अब इधर माइनस 2 ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 ए, और इधर प्लस ए तो दे ही रखा है। इधर दोस्तों आपके पास 90 है और माइनस 18 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 18। 90 और 18 होता है 108, और इधर आपके पास दे रखा है 3 ए। तो ए का मान आपके पास कितना आ जाएगा 108/3 जो कि होता है 36। तो फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ दोस्तों। आपको दे रखा था टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, आपके पास ए का मान निकालना था, ए का मान निकालना है। तो टेन और कॉट का फार्मूला, टेन और कॉट देखते ही मैं समझ में आ गया कि हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा, टेन ए इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, ये फार्मूला आपके पास यूज होगा। तो हमने क्या किया, टेन टू ए को कॉट में चेंज कर दिया। तो टेन टू ए को कैसे लिख सकते हैं, टेन टू ए को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 ए। तो हम टेन टू ए को लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2 ए, इधर हमारे पास दे रखा है कॉट ए माइनस 18। अब यहाँ 90 माइनस 2 ए को बराबर कर देंगे ए माइनस 18 के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो इधर माइनस 2 है इधर आके हो गया प्लस 2 और ए दे रखा है इधर, इधर माइनस 18 है जो कि इधर आके प्लस 18 बन जाएगा। ए का मान आप यहाँ से सॉल्व करेंगे जो कि आएगा 36। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास का जो है यही क्वेश्चन, समझे और इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी उसमें तीन कोण है ए बी सी, तो हमें प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई दो है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले आ रखा है और आपके एन सी आर टी में भी दे रखा है, डायरेक्ट ही आपको किताब से उठा रखा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करना है कि हमें साइन बी प्लस सी बाई टू है कॉस ए बाई दो के बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे पता है ए प्लस बी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो हमें पता है एक त्रिभुज में ए प्लस बी प्लस सी जो एंगल होते हैं तीन, उसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे दे रखा है बी प्लस सी बाई टू दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बी प्लस सी को लिखेंगे 180 माइनस ए।
अब जैसे हमने बी प्लस सी को 180 माइनस ए डाला, इसमें हम पुट कर देंगे LHS में, हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर बनाएंगे। तो हमारा LHS क्या दे रखा है दोस्तों, LHS दे रखा है साइन बी प्लस सी बाई टू। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन लिखेंगे और बी प्लस सी का मान कितना भी हमने निकाला है 180 माइनस है, तो बी प्लस सी को हमने डाल देंगे 180 माइनस ए। नीचे में कितना है, नीचे में है बट्टा में दो। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा साइन, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे 180 बाई दो माइनस ए बाई दो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, माइनस बीच में साइन दे रखा है, तो हम पहले दो को 180 डिवाइड कर देंगे, 180 को दो से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस करके ए को दो से डिवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 180 बाई दो कितना होता है दोस्तों 90, और ये हमारे पास आ गया ए बाई टू। अब हमारे पास फार्मूला यहाँ आपको दिख रहा होगा, समझ गए होंगे इसमें हमने करा क्या है, हमने सीधा, अब हमारे पास फार्मूला लगेगा दोस्तों कि साइन 90 माइनस ए वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। और साइन 90 माइनस ए का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, कॉस ए आता है। ये आप यहाँ पर लिख दो कि आप फार्मूला यूज कर रहे हो, तो साइन 90 माइनस ए क्या आता है, कॉस। तो साइन 90 माइनस ए टू किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कॉस ए बाई टू के बराबर, ये आ गया हमारे पास कॉस ए बाई टू के बराबर। और यही हमें, आप ध्यान से देखोगे तो, प्रूफ करना था, मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन आए तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों कि ए बी सी एक त्रिभुज के तीन अंतःकोण है ए बी सी, तो हमें प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू का मान कॉस ए बाई टू के बराबर होगा, ये हमें करना था प्रूफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज में दोस्तों, त्रिभुज के अंदर तीनों कोण मतलब ए बी सी का सम होता है, मतलब योग होता है 180। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि B प्लस सी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, B प्लस सी निकाल लेंगे। B प्लस सी इसमें कितना आ जाएगा, 180 माइनस ए, ए को हम इधर लेंगे तो बन जाएगा माइनस। अब चलते हैं हम अपने पीछे LHS पे, LHS हमारा दे रखा है साइन B प्लस सी बाई टू। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, B प्लस सी का मान इसमें डाल देंगे, तो B प्लस सी को हमने क्या डाला, 180 माइनस ए, तो हमने डाल दिया 180 माइनस ए। नीचे दोस्तों दो दे रखा है, तो दो हमने कर दिया। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, दो एक बार 180 को दो से डिवाइड कर दें, एक बार ए को दो से डिवाइड करेंगे, तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, 180 बाई दो, बीच में साइन माइनस, तो माइनस ए बाई टू। अब साइन 180 बाई दो कितना होता है दोस्तों, हमें पता है 180 बाई दो होता है 90 माइनस ए बाई टू। अब जैसे ही हमने साइन 90 माइनस कुछ भी लिखा, तो साइन 90 माइनस कुछ भी क्या हो जाता है, कॉस कुछ भी। तो हमने साइन 90 माइनस ए बाई टू डाला, तो साइन 90 माइनस ए बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए बाई टू के बराबर। और यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमारा LHS और RHS यहाँ पे हो गया बराबर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ये जो पांच क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, ज़्यादा चांस है आपका यही क्वेश्चन पेपर में आने का, या ये क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक आना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा रखेंगे। ये क्वेश्चन है या इसी टाइप का है, ज़रूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन इस टाइप का आना पक्का ही पक्का है दोस्तों। तो आप इसी क्वेश्चन को 4-5 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, ताकि आपको एक प्रैक्टिस बन जाए, एग्ज़ाम में आप देखते ही इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर दें। तो चलिए तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।